नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट अंटिल इट्स लेंथ इज डबल्ड, कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल वैल्यू। तो आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी कि इतना मीटर या इतना ओम मीटर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। आपको यह दिया है कि एक वायर है आपके पास, सपोज इस वायर का लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। यहां बोला इट इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट, हमने उसको पुल किया, पुल किया मतलब हमने उसको खींचा ताकि उसकी लेंथ डबल हो जाए, अंटिल इट्स लेंथ इज डबल। तो हम इसको पुल कर रहे हैं और इसकी लेंथ को हम डबल कर रहे हैं, लेंथ को हमने कर दिया 12। तो जब हमने इसको पुल किया, लेंथ डबल की, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना वो, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसकी हाफ हो गई, ये पतला कर लेना थोड़ा, इसको थोड़ा मोटा दिखा देना, ठीक है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, अब लेंथ को जब हमने डबल किया, फुल किया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन उसका उसका हाफ हो गया, ठीक है। पहले वाले का रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इनिशियली जो रेगुलर फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस का, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, उसकी यूनिट होती है ओम मीटर, एल इज लेंथ ऑफ द वायर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब हम नया रेजिस्टेंस निकालते हैं, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रो, रो वही रहेगा क्योंकि रो इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हमने मटेरियल चेंज नहीं किया है तो रो चेंज नहीं होगा, रो एज इट इज, लेंथ हमारी हो गई डबल और एरिया क्रॉस सेक्शन हमारा हो गया हाफ, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, टू को बाहर कर दें, रो एल और ये ए अपॉन टू है तो अपॉन टू पर जाएगा, अपॉन टू पर जाएगा, ठीक है। तो टू टू जा फोर, फोर रो एल अपॉन ए, फोर रो एल अपॉन ए क्या है, पहले वाला रेजिस्टेंस। तो नया रेजिस्टेंस कैसा हो गया, फोर टाइम्स, कंपेयर करना ना हमें, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी फोर टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, क्लियर।